दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं गंगेश कुंजन। योग को आप और हम कितना अपना पाए हैं, ये तो खैर सेल्फ असेसमेंट का सवाल है, लेकिन अगर कहीं यह 100% उतरता दिखता है तो यह वह है व्यवस्था यानी सिस्टम में। सिस्टम अक्सर शीर्षासन की स्थिति में दिखेगा आपको। आयुष्मान योजना पर रिम्स कैसे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से पीछे है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। आज तब तक आप चाहें तो प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि शीर्षासन तो हम आपको दिखाएंगे। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाने में सूबे का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स लगातार पिछड़ रहा है। यहाँ रांची के रातू रोड में जो सामुदायिक अस्पताल है, उसने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए सबको चौंका दिया है। 22 दिसंबर 2018 से अब तक रातू सीएचसी में आयुष्मान भारत योजना के लाभुकों की संख्या 408 तक पहुंच गई है, जबकि रिम्स का आंकड़ा महज 300 के आसपास ही है। हम मात्र से ही स्पष्ट है, एक ऐसी योजना जो लाभुक को दीर्घायु बनाने वाली है। 23 सितंबर 2018 को झारखंड की धरती से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। शुभारंभ के साथ इस योजना की सफलता को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। गोल्डन कार्ड नहीं बनने से जूझ रहे मरीजों के कुछ मामले भी सामने आए, मगर इन सबके बीच रांची के रातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने आयुष्मान भारत योजना की सफलता का रिकॉर्ड कायम करते हुए सबको चौंका दिया। रातू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल को पछाड़ते हुए इस योजना की सफलता की कहानी गढ़ दी। लाभुकों के आंकड़े के लिहाज से ये बात करें तो जहां रातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 408 है, वही रिम्स अभी तक 300 के आसपास। इस आंकड़े को हासिल करने में आयुष्मान मित्र की अहम भूमिका है। इलाज के लिए भेजते ही हैं, वो हो गया, मान लेते हैं किसी पेशेंट का सीजर हो गया या फिर नॉर्मल ही हो गया है, तो उस वो जब बेड पे चली जाती है तो हम अपने से यहाँ से उठ के जाएंगे, उनका DIS लेंगे, उनका कार्ड पहले बनाएंगे हम। रीजन हो गया कि अधिकतर बच्चे कमजोर कोई की हो जाते हैं, रेफर होने की नौबत आ जाती है, तो उनका कार्ड हम पहले बना के उनको बताते हैं कि आप इससे ये बेनिफिट होगा। और इस बीच में हम आयुष्मान भारत में भी बुक कर देते हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए जहां दूसरे अस्पतालों में मरीज और उनके परिजनों की दौड़ भाग देखने को मिलती है, वही रातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज के एडमिट होने के साथ आयुष्मान मित्र का कार्य शुरू हो जाता है। अस्पताल के सभी कर्मियों को ये सख्त निर्देश है कि वो आयुष्मान भारत योजना को लाभ दिलाने में मददगार साबित हों। यहाँ हर एक मरीज को राशन कार्ड और आधार कार्ड लाना अनिवार्य है, ताकि मरीज को 3 दिनों के अंदर आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने में कोई परेशानी ना हो। खुद अस्पताल के प्रभारी इस योजना के लाभुकों की मॉनिटरिंग करते हैं। मात्र 30 बेड वाले अस्पताल के आंकड़े 1500 बेड वाले रिम्स की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर है। इस योजना की सफलता ने अस्पताल प्रबंधन को कई मामलों में आत्मनिर्भर भी बना दिया। अब तक अस्पताल के खाते में योजना की सफलता के बाद 30,50,000 की राशि जमा हो चुकी है। तो इमीडिएट किसी बात के लिए कोई खर्च करना हो तो हमारे सारे लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं हमको। हम तुरंत ही तत्काल एक मीटिंग बुलाते हैं या उनसे जाके पर्सनली मिलते हैं कि साहब ये फलाना मरीज है, इनको ये इस चीज़ की ज़रूरत है, इसको लोकल परचेज करने की अनुमति दी जाए। अगर वो 5,000 से नीचे है तो हम लोग इमीडिएटली NTD ही जिसे अभी खरीदे हैं, तो NTD तुरंत ही खरीद करके अब मरीज का तो पूरा पैसा बचा,
तो ये सुविधा उसको इस वजह से मिल रही है कि वो आयुष्मान भारत के पैसे से आज अस्पताल जो है, अस्पताल पहले स्वस्थ होगा तभी तो बाकी लोग स्वस्थ होंगे। अस्पताल में फंड की कोई कमी नहीं रह गई है और सरकार और हमारे सिविल सर्जन इस मामले में बहुत ही ज्यादा, मतलब हमको विभाग से बहुत ही ज्यादा सहयोग मिला है इसमें। आयुष्मान भारत योजना की सफलता अस्पतालों के लिए वरदान साबित हो सकती है, बशर्ते अस्पताल लाभुक को लाभ दिलाने को लेकर गंभीर हो। हर एक लाभुक को लाभ मिलने के साथ उस अस्पताल के खाते में राशि आती है, इसी राशि का 75% अस्पताल के डेवलपमेंट में और शेष 25% अस्पताल के डॉक्टर और कर्मियों के हिस्से में जाता है। बावजूद इसके अगर कोई अस्पताल आयुष्मान भारत योजना में शिथिलता बरते तो इसे क्या कहेंगे। न्यूज 11 के लिए रांची से अविनाश कुमार। अविनाश के पास चलेंगे जिनकी ये रिपोर्ट आपने देखी। अविनाश, एक जो सबसे बड़ी खासियत आपने यहाँ पर देखी होगी जिसकी वजह से ये अस्पताल नंबर वन है रातू का CHC, क्या खासियत आपको एक बार में पहली नजर में देखी? और दूसरा कि आमतौर पर सरकारी अस्पतालों की जो लापरवाहियां हैं वो ज्यादा सामने आती है, अगर कहीं खूबियां नजर आती हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए मगर कारण भी ढूंढा जाना चाहिए। नहीं, जरूर, अगर आप कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं या फिर वैसे अस्पताल जो लगातार सेवा के भाव से जो मरीज आ रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं तो उसे जरूर आम लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाहिए कि उनके क्षेत्र का अमुक अस्पताल बेहतर कार्य कर रहा है, और खासकर तब जब वो सरकारी अस्पताल हो। इससे पहले भी हम CHC के रातू के कई तस्वीरें पहले भी हम दिखा चुके हैं, खासकर अगर आप अव्यवस्था की भी बात करें, हमने अव्यवस्था भी कई बार दिखाई है क्योंकि जब तक मीडिया में खबरें आती नहीं है व्यवस्थित होना थोड़ा कह सकते हैं कि देर की आप कड़ी मानते हैं। दूसरी तरफ अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात करें, जब हम आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक जानकारी जरूर देना चाहेंगे कि यही एकमात्र ये अस्पताल है रांची का जो संस्थागत प्रसव के मामले में भी सबसे बेहतरीन आंकड़े अगर किसी के हैं तो वो इसी अस्पताल के हैं, जिसको लेकर कई बार अगर आप देखें स्वास्थ्य विभाग के जो समीक्षा बैठक होती है वहाँ इस तरह के कई बार बैठकों में इस पर जोर दिया जाता है कि संस्थागत प्रसव के आंकड़ों में बढ़ोतरी की जाए, और ये उसमें पहले से एक नंबर पर रहा। अब हम आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं, अगर आप तस्वीरों के माध्यम से देखें गेट में अब प्रवेश करने के साथ ही आयुष्मान भारत योजना का जो डेस्क वहाँ बना हुआ है, टेबल जो लगा हुआ है, और वहाँ जो आयुष्मान मित्र है, एक अच्छी बात ये कि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले जो उस अस्पताल के बारे में कुछ नहीं जानता है, अगर वो ग्रामीण इलाके से खास तौर पर अगर आ रहा हो तो वो जरूरी है कि उसी डेस्क के पास जाके अपनी क्वेरी को, अपनी बातों को रखेगा, और वहाँ से शुरू होती है आयुष्मान भारत योजना के लाभुक को लाभ देने की प्रक्रिया। एक अच्छी बात यह कि जो वहाँ आयुष्मान मित्र हैं उन्होंने जो बताया वो प्रभावित करने वाला है, और दूसरे अस्पताल को इसे सीख भी लेनी चाहिए कि यहाँ आने वाले हर एक मरीज के एडमिट होने के बाद ये आयुष्मान मित्र खुद बेड, अलग अलग जो बेड 30 बेड लगे हैं, एक बेड से दूसरी बेड तक जाकर आयुष्मान भारत योजना के लाभ की प्रक्रिया को पूरा करता है, ये सबसे अच्छी बात है। अविनाश, एक दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो होता है कि आप इस तरह की एक व्यवस्था ही बना देते हैं कि व्यक्ति आए जाए, डॉक्टर आए जाए, लेकिन व्यवस्था इतनी दुरुस्त होती है कि वहां पर कभी भी लापरवाही नहीं हो सकती, और जिस तरह से अस्पताल परफॉर्म कर रहा है वो आगे भी परफॉर्म करेगा। या आपको लगता है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष का हाथ है जिसने अपने दम खम कर पर या अपनी ताकत से इसे यहाँ तक पहुँचाया है? नहीं, व्यक्ति का हाथ है और इससे आप इनकार नहीं कर सकते। हालांकि एक व्यक्ति, खासकर अगर आप इस तरह से अगर अस्पताल के हिसाब से अगर हम बात करें, निश्चित तौर पर इसका श्रेय जो प्रभारी डॉक्टर हैं उनको जाता है, जो सुजीत कुमार कश्यप हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सुजीत कुमार कश्यप भी तभी सफल हो पाते जब उनकी पूरी टीम काम करती, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ व्यवस्था की है, सिर्फ ये आयुष्मान मित्र के लिए ये सारी चीज़ें नहीं है, वहाँ अच्छी बात यह भी है कि दूसरे भी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्हें ये सख्त निर्देश दिया गया है कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाने के लिए हर एक जो मरीज हैं उन्हें प्रेरित करना, उनको मदद करना, उनके पास कोई अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उन्हें ये बात बताना कि उन्हें कैसे मिल सकता है, क्योंकि 3 दिनों का समय होता है, आप एडमिट होते हैं 3 दिनों के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं हो जानी चाहिए। इसलिए वहां जितने भी लोग आते हैं
उन्हें काउंसलिंग की भी अगर आप बात करें तो जागरूकता के हिसाब से ये बताया जाता है कि वो अपने साथ राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर आएंगे। और ये चीजें अब आप कह सकते हैं, ये प्रभारी भी मानते हैं कि 80% से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जो ये प्रक्रिया पूरी करते हुए अस्पताल पहुंच रहे हैं, इसलिए भी ये डाटा बढ़ रहा है। एक एक अगर ये आदर्श स्थिति है अविनाश, तो इसे एक मॉडल हॉस्पिटल के रूप में घोषित करके क्यों ना अन्य अस्पतालों को कहा जाए कि साहब इसको आप फॉलो कीजिए, अगर अगर वहाँ इस तरह की सफलता मिल रही है। लेकिन अगर ये व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है तब शायद उसे कोई भी, ये व्यक्ति जहाँ जाएगा वहाँ ये व्यवस्था बन जाएगी, लेकिन जब वो वहाँ से हटेगा वहाँ की व्यवस्था चरमरा जाएगी। क्या मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्यक्ति ने जो एक व्यवस्था बना दी है क्या वो इतने दुरुस्त है कि उनके जाने और नहीं जाने पर भी वो बरकरार रहे? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि आयुष्मान भारत योजना का जो पूरा प्रारूप है वो इस तरह से ही बनाया गया है कि उससे जो अंतिम व्यक्ति तक जो लाभ देने की बात हो रही है, हर एक अस्पताल में आने वाला वो व्यक्ति जिसे इस योजना के लाभ की जरूरत है, ये उस हिसाब से भी इसकी ड्राफ्टिंग की गई है। दूसरा, हर योजना अगर हम कहें, अगर सरकार के द्वारा 10 योजनाएं आती हैं तो उसमें तय है हर एक योजना के अपने अपने अलग अलग उसके लाभ होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेवारी होती है वो जो अधिकारी हैं उनसे अधीनस्थ रहने वाले, विभाग के अधीनस्थ रहने वाले कर्मचारी हैं उन पर होता है। यहाँ सिर्फ अंतर इतना ही है कि दूसरे अस्पताल की अपेक्षा आप रातू में अगर आप जाएंगे तो ये प्रक्रिया आपको हर स्तर पर देखने को मिलेगी। आप गार्ड से लेकर अगर बेड तक जाते हैं तो ये हर कोई व्यक्ति अपने अपने काम में आपको देख कुछ ना कुछ करता हुआ दिखेगा। यहाँ और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं और कई बार मीडिया में तुलनात्मक रूप से ये चीज़ें आ रही हैं। आयुष्मान भारत योजना को लेकर हमने भी कई बार दूसरे अस्पतालों की, या फिर मैं रिम्स की बात करूँ, गोल्डन कार्ड के लिए लोग कैसे घूमते हैं, कैसे उन्हें बार बार अलग अलग प्रक्रिया, कागजी प्रक्रियाओं के बहाने उन्हें टरका दिया जाता है, कैसे दूसरे अस्पतालों में अगर आप जाते हैं तो आयुष्मान भारत योजना का अगर आप नाम लें तो आपके तरफ दोबारा वो व्यक्ति घूमकर देखता भी नहीं कि अभी अगर हम इनको इंटरटेन करेंगे तो हमारा जो है दूसरा मरीज जो कि उससे ज्यादा पैसा आने वाला है वो नहीं आ पाएगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, लोग नहीं जानते हैं, आयुष्मान भारत योजना के तहत भी जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उन्हें भी एक अमाउंट जो पहले से इंश्योरेंस कंपनी जिस जो भुगतान सरकार कर चुकी है उससे एक पैसा आता है, उस पैसे का 75% उसी अस्पताल के डेवलपमेंट पर खर्च किया जाता है, बाकी बचे जो 25% हैं वो डॉक्टर और जो उनके सहकर्मी हैं जो दूसरे स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके बीच बांटा जाता है। मतलब आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, इस योजना का लाभ अगर किसी लाभुक को दे रहे हैं, उसका 2-3 बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। एक, आपका वो सरकारी अस्पताल लगातार समय के साथ डेवलप कर रहा है, जैसा कि प्रभारी भी कह रहे हैं कि पहले कुछ ऐसे भी दवाइयां हैं जो उनके पास नहीं होती थी, लेकिन आज उनके पास फंड होने के कारण 3,000 रुपए के ऐसे इंजेक्शन। तो आयुष्मान को लेकर, आयुष्मान की जो बात हो रही थी कि इससे सबको फायदा है और कम से कम स्वास्थ्य विभाग में एक तरह की क्रांति हो जाएगी, वो जमीन पर उतरती दिखती है। लेकिन जो बड़े अस्पताल हैं और निजी अस्पताल हैं, अविनाश क्या लगता है क्यों वो पिछड़ते हैं और एक सामुदायिक अस्पताल जो है वो सामने आ जाता है निकल कर एक मॉडल के रूप में, क्यों पिछड़ते हैं बड़े अस्पताल? मुझे लगता है कि वहाँ सबसे पहले तो ये कि वहाँ लापरवाही है, वहाँ अधिकारी अपने जिम्मेवारी को सही तरीके से निर्वहन नहीं करते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसा कि हम लगातार कह भी रहे हैं कि CHC आगे और रिम्स पीछे, अगर आप रिम्स के बेड के हिसाब से बात करें तो 1400 पहले थे, एक बढ़ गए हैं, 100 बढ़ गया है तो 1500 के करीब हो गए हैं बेड। अगर आप फ्लो की बात करें, जो मरीज आते हैं पूरे राज्य के तो मरीज आते ही हैं, आस पड़ोस के राज्यों के भी कई जिलों के मरीज रिम्स पहुँचते हैं। अगर एक तुलनात्मक रूप से अगर आप CHC और रिम्स की बात करें तो यहाँ अगर दिन भर में 500 मरीज पहुँचते होंगे तो रिम्स में 5,000 से ज़्यादा मरीज आते हैं। बावजूद इसके अगर ये आंकड़ा है तो हम यही कहेंगे कि योजना तो वही है, बनाने वाली सरकार भी वही है। हम देखेंगे, ये हम बता रहे हैं कि व्यवस्था एक बात है कि व्यवस्था बनी तो कैसे वो सामने आई, अब हम देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्यवस्था कहां शीर्षासन करते हुए दिखती है आपको, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि कैसे एक छोटा सा अस्पताल आयुष्मान के मामले में सबसे आगे निकल जाता है। अब सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज की बात करें तो 1400 बेड वाले अस्पताल में इस साल महज 300 के करीब मरीजों का इलाज हुआ। वहीं महज 30 बेड वाले, जैसा कि हमने बताया, रातू सीएचसी में 400 से ज्यादा मरीजों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत किया गया। सदर अस्पताल रांची दूसरे नंबर पर रहा। अब ऐसे में सवाल ये है कि कैसे आयुष्मान होंगे रिम्स के मरीज। सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल होने का गौरव पाने वाला रिम्स में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के मामले में चौंकाने वाला नतीजा सामने आया है। 1400 बेड वाले अस्पताल में इस वर्ष महज 292 मरीजों का ही इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत हो सका है, जबकि मात्र 30 बेडों वाला रातू सीएचसी में 358 मरीजों का इस योजना के तहत इलाज हुआ है। वही रिम्स निदेशक डॉक्टर डीके सिंह ने कहा है कि रिकॉर्ड पर हमारा संस्थान अच्छा नहीं दिख रहा है, अस्पताल में कुछ परेशानियां चल रही है। आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनाने के बाद उसका फॉलोअप नहीं हो पा रहा है। रजिस्ट्रेशन तो कराने के बाद चूंकि यहाँ दवा मुफ्त में मिलती है सरकार की तरफ से, मतलब व्यवस्था है यहाँ रिम्स की तरफ से, उनका आगे फॉलोअप नहीं हो पा रहा है। इसके हमने यहाँ डिप्टी MS MS स्तर पर भी कई बार प्रयास किया है, मीटिंग किया है, और धीरे धीरे उम्मीद है कि इम्प्रूव हो जाएगा। और कुछ मतलब कह लीजिए कहीं कोई मिसिंग लिंक है जिसको शायद हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, कि डिप्टी MS का कहते हैं कि वार्ड से कंसल्टेंट लोग साइन नहीं करके देते हैं, वो कहते हैं कि अगर एक ही जगह साइन करना है तो हम कर देंगे। तो मैं इस पर कई बार मीटिंग किया हूँ और इलाज होने के बावजूद भी हमारा रिपोर्टिंग कम है, इसमें कोई दौरा नहीं, वो ठीक कर दिया जाएगा। निशुल्क इलाज की उम्मीद लिए आयुष्मान भारत योजना के मरीज रिम्स तो पहुंच रहे हैं, मगर बेहतर इलाज की सुविधाएं नहीं मिलने के कारण बिना इलाज करवाए वापस लौटने को मजबूर है। रिम्स में आयुष्मान योजना की व्यवस्था से मरीज काफी नाराज है। अभी बेड सीट खोजने गए तो बोल बेड सीट नहीं है, लिख दिया, देखिए लिखा है कागज में बेड सीट लिख दिया, बोल सोनोग्राफ होगा वो अब खाली नहीं है तो मरेंगे यहाँ थोड़े, अब जा रहे हैं घर, क्या करेंगे, मरेंगे। कुछ हो रहा है, ये कार्ड दिखाए, बोला जो आपका होगा वो मैं एक महीने के बाद में आपको जो सो नंबर उम्र में चेक इलाज होगा, इसमें बहुत दिक्कत होगा, क्या लगता है ना एक महीना लग जाएगा आपको नंबर जाँच उच नंबर उम्र लगाने उगाने में। पैसा दीजिएगा तब तो बोला जो 5 बजे तक इसको बेड दे देगा, हम अपना इलाज ना इसी साथ में आए थे। आयुष्मान भारत में सदर अस्पताल रांची को गौरव मिला। पूरे देश में रांची सदर अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत लोगों को लाभ पहुंचाने में दूसरे नंबर पर रहा। रांची सिविल सर्जन वीवी प्रसाद ने बताया कि आयुष्मान भारत में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए रांची सदर अस्पताल को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, और ये सब सदर अस्पताल के डॉक्टर कर्मचारी सहित पूरी टीम की मेहनत से मुमकिन हुआ है। अस्पताल में करीब करीब हमको लगता है कि आज के दिन में 4,500 मरीज के करीब करीब रजिस्टर्ड हुए थे और सबको इसका लाभ मिला है। और इसका से देखिए ये तो ज्वाइंट एफर्ट है, हमसे लेकर के सिविल सर्जन से लेकर के CMO हो, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हो, जितने कर्मचारी चिकित्सकगण हैं, जितने मेरे चिकित्सक हैं, सभी इस चीज़ में काफ़ी विजिलेंट रहते हैं, सबको इनकी जानकारी अच्छी है, जितने क्लास 3 एम्प्लॉय हैं, क्लास 4 एम्प्लॉय हैं, सिस्टर्स खास करके के सबको इसकी जानकारी अच्छे ढंग से दे दी गई है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत PM नरेंद्र मोदी ने राज्य की राजधानी रांची से किया था। 57 लाख परिवार के प्रत्येक लाभार्थी के गोल्डन कार्ड बनाने की योजना थी, लेकिन अभी 36 लाख लोगों का ही गोल्डन कार्ड बन सका है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने जिस राज्य से आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी उसी राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स इस योजना में खुद बीमार है। न्यूज 11 के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सत्यव्रत किरण हमारे जो संवाददाता हैं वो भी जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत, ये जो कमियां हैं, वो जो कमी दिखती है आंकड़ों में, इतना बड़ा अस्पताल है आयुष्मान के मामले में पिछड़ता है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर रिम्स इसमें पिछड़ता है तो मैसेज गलत जाता है, संदेश गलत जाता है दूसरे सरकारी संस्थानों में,
क्या इसकी वजह है जो पिन पॉइंट हम कर सकते हैं कि ये इन इन जगहों पर कमियां हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने, रिम्स जो है वो राज्य का गौरव है, यह राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान भी कहा था कि रिम्स जो है वो मुकुट है झारखंड का, और वैसे में लोग की जो उम्मीदें हैं वो भी रिम्स से कई ज्यादा होती है। लेकिन जिस तरह का जो ये आंकड़ा आया है आयुष्मान भारत योजना के मरीजों को लाभ पहुंचाने का, उसमें अगर रिम्स की बात करें तो रिम्स पूरी तरह से फेल्योर दिख रहा है। कहीं भी किसी स्थान पर रिम्स नहीं है, उसकी जगह पर अगर भातुर पीएचसी की बात करें या सदर अस्पताल की बात करें तो सदर अस्पताल जो है वो पूरे देश में दूसरे नंबर पर आता है। वो ये अस्पताल है जिसमें सबसे ज्यादा जो है आयुष्मान के मरीजों को लाभ पहुंचाई है। लेकिन राज्य का सब आप वहां मौजूद रहते हैं, आप देख पाते होंगे कि आखिर सदर में क्या फैसिलिटी है और रिम्स में कहां चूक हो रही है। क्या रिम्स की लापरवाही है जो आयुष्मान के मरीजों को वो ज्यादा एंटरटेन नहीं कर पा रहा है? जी बिल्कुल, कई बार ऐसे आरोप लगते हैं, परिजन आरोप लगाते हैं कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद जो रिम्स है वहां पे मरीजों के साथ जो है वो अटेंड नहीं किया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि अगर आयुष्मान बीमा के तहत अगर आप अस्पताल में अगर इलाज कराते हैं तो आपको काफी समय लगेगा, और यही कारण है कि कई लोग आयुष्मान बीमा योजना के धारी होने के बावजूद जो है वो पैसे देकर इलाज करा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा था कि हर गरीब व्यक्ति तक जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच जाए, और शायद इसीलिए झारखंड के प्रभात तारा मैदान से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी ताकि हर व्यक्ति को जो है वो स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, सालाना 5 लाख रुपए का जो हेल्थ बीमा है वो मिल सके। लेकिन रिम्स में ये जो है वो होता नहीं दिख रहा है। हमने कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट बनाया था जिसमें परिजनों ने ये आरोप लगाया था कि मरीज आयुष्मान का था और समय पर उसे इंडेंट नहीं मिल पाया, यानी कि कई दिनों तक उसे दवाइयां नहीं मिल पाई और उसकी मौत हो गई। तो जिस तरह से आयुष्मान मरीज की मौत हो रही है रिम्स में और सही समय पर उन्हें दवाइयां नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं ये राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल होने का जो गौरव पाता है रिम्स, उसकी उदासीनता दिखा रहा है। और जो एक सरकार का जो एक जो पॉलिसी है विभाग का कि किस तरह से जो राज्य के सबसे बड़े अस्पताल, चूंकि सबसे ज्यादा लोगों को उम्मीद जो है वो रिम्स से होती है, और यही कारण है कि अपने राज्य ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से जो लोग है वो रिम्स पहुंचते हैं इलाज में। और वैसे आयुष्मान योजना को लेकर लोगों में आकर्षण कितना है? जो मरीज आते हैं क्या उनमें इस बात का आकर्षण है कि मुझे आयुष्मान के तहत मेरा इलाज हो, या उनको लगता है कि आयुष्मान में होने की वजह से उन्हें द्वयम दर्जे का मरीज समझा जाएगा, उनकी ठीक से देखभाल नहीं होगी, इसलिए वो खुद विड्रॉ कर लेते हैं कि नहीं साहब आयुष्मान की वजह मैं की जगह मैं पे करके आप इलाज कराऊंगा? क्या ये है आकर्षण है आयुष्मान को लेकर मरीजों में? जी सही कहा आपने, कई ऐसे मरीज, अगर खास करके आप रिम्स के ऑर्थो और न्यूरो सर्जरी विभाग जाएंगे तो वहां आपको कई ऐसे मरीज मिलेंगे जो कि अब आयुष्मान योजना को सिलेंडर कर जो आम तरह से जो जैसे रिम्स में इलाज किया जाता है उस योजना के तहत इलाज कराने को मजबूर है। तो कहीं ना कहीं जो मरीज आते हैं दूर दराज से काफी उम्मीद से कि आयुष्मान का मरीज होने के कारण उनका जो इलाज है वो निःशुल्क हो पाएगा और आसानी से जल्द उनका इलाज हो जाएगा, वो फिलहाल नहीं होता दिख रहा। और सबसे बड़ा समस्या देखिए कि जो मरीजों को जो इम्प्लांट लगाता है, कई बार एक्सीडेंट, दुर्घटना या अन्य तरह से जो घायल मरीज होते हैं उनके लिए जो इम्प्लांट की जो सुविधा होती है वो रिम्स को उपलब्ध कराना है या अस्पताल को उपलब्ध कराना है, लेकिन इम्प्लांट जो सप्लाई करने की जो एजेंसी है, जो संस्था है, उसके द्वारा रिम्स का अब तक कोई करार नहीं है। संस्था का मानना है कि जब तक रिम्स पहले भुगतान नहीं करेगी तब तक वो जो इम्प्लांट जो मरीज को लगना है ऑपरेशन के दौरान वो नहीं दिया जाएगा। और वैसे में कई ऐसे मरीज हैं आयुष्मान भारत योजना के मरीज आपने सही जगह सही के इंतजार में रिम्स में राह ताक रहे हैं। जी मैं वहीं पहुंचना चाह रहा था, दरअसल अविनाश से समझते हैं। अविनाश, ये जो सारा नेक्सस है, आप स्वास्थ्य विभाग में जाएंगे तो वहां आपको एक नेक्सस दिखाई पड़ेगा, एक गिरोहबंदी है जिसमें मरीज को किस तरह से, मरीज से पैसे निकाले जाएं, मरीज के परिजनों से किस तरह से पैसे निकाले जाएं, ये बहुत ध्यान में रखा जाता है। वो चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे वहाँ आसपास के मेडिकल स्टोर्स हों, जो इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं वो हों, मरीज को लगने वाले जो दूसरे उपकरण हैं वो हों, उनका एक नेक्सस है।
क्या आयुष्मान इस नेक्सस में छेद करने की कोशिश है, इसलिए आयुष्मान को कहीं फेल करने की कोशिश होती है? नहीं, जरूर ये कोशिश हो रही है, और मुझे लगता है कि अगर आप देखें कोई भी व्यक्ति अस्पताल की ओर कब रुख करता है, जब वो दर्द से करा रहा हो, जब वो उसे बहुत ज़्यादा बुखार हो या फिर उसे ऐसी परेशानी हो जो घर बैठकर उसका समाधान नहीं हो सकता है, तब वो अस्पताल जाता है। वैसे परिस्थिति में अगर आप रातु CSC के काम के तरीके को अगर आप देखें, उसे अपनाना चाहिए, दूसरे अस्पतालों को अपनाना चाहिए। और क्यों अपनाना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि जब कोई व्यक्ति मरीज बनकर अस्पताल जा रहा है, वो बेड तक पहुंच रहा है, तब वो और उसका परिजन उसे दुरुस्त करने में लगा रहता है, उसे ये पता नहीं होता या फिर उस स्थिति में वो नहीं होता है कि वो उस समय भाग कर जाए कि कहाँ दो पैसे उसके बचेंगे। जब खर्च बढ़ता है तब उसे ये इस बात का एहसास होता है कि मैं आयुष्मान भारत योजना का हकदार हूँ, लाभुक बन सकता हूँ। तब तक 3 दिन बीत गए होते हैं। अगर आप यही चीज अगर आप बेड पर जाकर, जैसा कि CSC में हो रहा है, रातू में हो रहा है, अगर आयुष्मान मित्र बेड पर जाएगा तब कोई भी आयुष्मान के योजना के तहत जो वैसा मरीज जो छूट रहा है वो नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। सत्यव्रत, क्या आपको लगता है वो जो गिरोहबंदी है डॉक्टर्स बाकी सारे सिस्टम के, उस गिरोहबंदी को नुकसान पहुंच रहा है आयुष्मान से, इसलिए आयुष्मान को फेल करने की कुछ कोशिश हो रही है? आपका उदाहरण देखने को मिलेगा वो खास करके निजी अस्पतालों में मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से आयुष्मान योजना के तहत मरीज के इलाज ऑपरेशन के लिए जो एक दर का निर्धारण किया गया है, उसमें जो निजी अस्पताल हैं वो अपने आप को कहीं नहीं देखती हैं, क्योंकि निजी अस्पतालों का साफ तौर पर एक ही एम्बिशन होता है कि किसी तरह से ज्यादा जो पैसा है, चाहे वो दवाई के नाम पे हो, इलाज के नाम पे हो, वो लिया जाए। लेकिन जिस तरह से आयुष्मान योजना के तहत बीमारी का जो दर निर्धारित किया गया है कि जिस तरह से जो नहीं, मुझे लगता है कि वो सरकारी अस्पतालों में भी जो ये नेक्सस है कई तरह से काम करता है, शायद उस पर और ध्यान देने की जरूरत है। इस पर एक और वृहत रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, इसकी हमारी कोशिश होगी कि इसके अंदर खाने की बहुत सारी बातें हर तार को निकाल कर आपके सामने कर ले। बहुत धन्यवाद अविनाश और सत्यव्रत इस रिपोर्ट के लिए, जिसमें हमने आपको बताया कि जो बड़े अस्पताल हैं, जो रिम्स जैसा अस्पताल है, वो आयुष्मान में पिछड़ जाता है, और एक रातू रोड का सामुदायिक अस्पताल जो है वो आगे निकल जाता है। ये आंकड़े दिलचस्प हो सकते हैं, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे साजिश गहरी हो सकती है। वो साजिश क्या है, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।